आपके मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो आप चांद पे जाने के काबिल होंगे ना, अगर आपके मुल्क के हालात नहीं बेहतर, इधर ही चांद बना देंगे तो फिर मसला तो बनेगा। इधर ही चांद बनाने का क्या मतलब है? इधर चांद बनाने से मतलब जैसे बिजली पानी गैस इनकी सहूलियात हमसे छीनती जाएंगी, जहाँ पे पहले शाम को जाती थी और सुबह आती थी, अब दिन में भी जाने लग गई है, और लाइट की लोड शेडिंग जो है वो पूरी होने के बावजूद जाने लग गई, और बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं वो यार, प्रो एक्सट्रीमिस्ट ब्रो, प्रो एक्सट्रीमिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बहुत घर का बिल, बच्चों की फीस, सुई गैस का बिल, ये मुझे दे के दिखा दें तो मैं जो इन जो हुक्मरान है ना, इनको तो चौक में ला के ना सिर्फ इनकी लेडीज़ को दूर में खड़ा कर देनी चाहिए कि यार मुझे ये 30,000 रुपया पकड़ो, अपने घर का गुजारा करके दे। देखें रवायत बन गई है, हम अपनी इंतहा पसंदी को नहीं देख रहे हैं, हम जड़ा वाला वाक्य नहीं हमें पता, लेकिन हमें मणिपुर का पता है कि वहाँ पे दो ईसाई औरतों के साथ जो रेप हुआ, जबकि हमारे यहाँ हमें वो जो शाह साहब हैं, असद शाह साहब क्या नाम है उनका, जिन्होंने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मार दिया, हमें उसका नहीं पता। आप देखिए हमने आज़ाद करा के हमने अपने जान पर मुसीबत डाल ली है, पाकिस्तान आज़ाद करा के, यही है ना कि ये एक तो हमारे बच्चों पे राज करते हैं, हमारे बच्चों का खून पीते हैं, हमारा पीते हैं रात दिन। दूसरी बात है कि हम चांद पर थूक रहे हैं, चांद की मिसाल है, तो हम चांद पर थूक रहे हैं, वो थूका हमारे मुंह पर ही आएगा। अगर हम जा नहीं सकते हैं तो कम से कम तनकीद से बाज रहे हैं, वो जो हमसे 30-40 साल 50 साल आगे हैं। योहन्नाबाद की मिसालें ले लें, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, हम ठेकेदार हैं मज़हब के, जबकि मिडिल ईस्ट जहाँ से मज़हब पैदा हुआ है, देखें आप यूएई में देखें, सऊदी अरब में देखें, वहाँ बंगाली हिंदू पूरी दुनिया से लोग आके काम कर रहे हैं, मज़हब वहाँ पैदा हुआ है। हमें ना 3ों में ना 13ों में ना हमें मज़हब का मुकम्मल इलम है, ना हम पूरे माशरे को जानते हैं, ना हमारे पास कुछ है, उसके बावजूद हम मज़हब के ठेकेदार भी हैं, मज़हब पूरा है भी नहीं हमारे पास। इस 24 करोड़ आबादी के हर एक बंदे को बताना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क को ठीक करना है, हुक्मरान इशराफिया अमीर गरीब मार्जिनलाइज प्रोविंसेस कुछ भी मसले सारे हैं, सबसे पहला मसला तालीम है। इस वक्त में मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा वफादार वो है जो इस मुल्क की बुराइयों को निकाले, उसके अंधुले चेहरे को धोए, धो के उसमें से चेहरा निकाले, वो नहीं है वफादार जो अब भी नारा लगाए कि हम सबसे नहीं, वो तो गलत कर रहा है, वो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है। देखा क्या हालात चल रहे हैं हमारे, मैं तो यहाँ पर टॉपिक मेरा कोई और था लेकिन मजबूरन मुझे ये बात करनी पड़ी, मैं क्या बताऊँ यहाँ की आवाम को, क्या मैं चंद्रयान के बारे में बताऊं, क्या मैं स्पेस के बारे में बताऊं, क्या मैं टेक्नोलॉजी के बारे, क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के। एक तरफ हम हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल से, और आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर हर किस्म के बहरान आए हुए हैं, क्या समझते हैं इन बहरानों से कैसे निकल सकते हैं? मेरे ख्याल में तो इन बहरानों से निकलने का कोई एक हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले तो हम अगर माशी बहरानों का शिकार थे तो अब कई किस्म के बहरानों ने इस मुल्क को घेरा हुआ है, माशी बहरान भी हैं, माशरती बहरान भी हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है अगर तो फिर मज़हबी बहरान भी हैं। सो अगर एक किस्म का बहरान हो तो उसका हल एक किस्म का होगा, सो हर तरफ से बहरानों में घिरे हुए हैं, तो हमें हर तरह के हल चाहिए। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है उसको कम करना चाहिए, मईशत की तवज्जो देनी चाहिए, माशरे पर ध्यान देना चाहिए, नॉर्म्स वैल्यूज़ टैबू जो हैं उनको रिवाइज़ करना चाहिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। सर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया चंद्रयान पर पहुंच गया, यहाँ पर हम अपने मसाइल से नहीं निकल पा रहे, टेक्नोलॉजी की अगर मैं पूरी तरह से बात करूं, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है, टेक्नोलॉजी में हम क्या इंडिया को बीट कर सकते हैं, चंद्रयान पर वो चला गया? नहीं, मेरा तो ये ख्याल, मैं आपसे अगर चाहूँ तो इतफाक ना करूँ, मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ हम बड़ी देर से खुद को खामखाम इंडिया के साथ कंपैरिजन करते आ रहे हैं। क्यों सर? हर नहीं बनता नहीं है हमारा, क्या वजह? इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है, इंडिया दुनिया की बेहतरीन सेकुलर स्टेट है, वो स्टेट जमहूरियत वहाँ पर बेहतरीन चल रही है, अदारे अपने अपनी हदों में रहकर काम कर रहे हैं, हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। हमें कम से कम 50 साल तक अदारों को अपनी हद में रखना चाहिए, हमें यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन के तो काम हम कहते हैं कि हम हर चीज़ में उनसे आगे हैं। नहीं, गलत कहते हैं, हम फिर अहमकों की जन्नत में रहते हैं अगर हम ऐसा कहते हैं, तो हम उनमें से आगे नहीं हैं। तो हमसे कौन कौन से चीज़ में आगे और हम उनसे कुछ किसी भी चीज़ में आगे हैं? भाई वो हमसे IT में आगे हैं, हमसे डेमोक्रेसी में आगे हैं, वो हमसे सोशल वैल्यूज़ में आगे हैं हमसे, वो और हमसे वो उनकी जो पॉपुलर, आप देखें दुनिया के इतने बड़े अदारे हैं जिनके CEOs हैं वो उनके हैं, इसका मतलब है कि अपने एक्सपर्टीज़ में भी आ गए हैं। सो हम उनसे क्या, हमारी टांग ऊपर है 1.5 इंच उनसे, इसमें हम वो हमसे आगे हैं मानते हैं। हम कहते हैं कि चांद हमारा है, चांद पर तो उनका जाने का कोई हक ही नहीं है, तो वो चांद पर भी चले गए, हम कहते हैं कि उनसे पहले हम चांद पर गए हैं, पहले यहाँ पर बशारतें दी जाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को हाथ से 2 टुकड़े कर दिए, तो इसका मतलब चांद हमारा, तो हम चांद पर नहीं जा पा रहे, पहली दफ़ा जो जा सकता है तो दूसरी मरतबा भी जा सकता है, तो अभी तक हम चांद पर नहीं जा सकते हैं, क्या वजह है?
नहीं, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चांद को तो टुकड़े किया तो उसका कतई मतलब ये तो नहीं है कि वो चांद पर गए हैं। ये उनका एक मौजा है पैगंबर का, जो आज से 1400 साल पहले वकूफ पजीर होना था वो हो गया। हाँ, इंसानी जहतों की बुनियाद पर चांद पर जाना वो सरासर इंसानों पर मुनसर था, उसकी कोशिश इंसानों ने की है। तो जो इंसान कोशिश करने के मामले में हम इंसान पीछे हैं, वो इंसान आगे हैं। चाहे वो एक खुदा को नहीं मानते, वो 1.5 करोड़ खुदाओं की पूजा करते हैं, ये उनका अपना मसला है। इंसानी कोशिशों की बुनियाद पर वो हमसे आगे हैं, वो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आज विक्रम लैंडर ने एक बहुत बड़ी जो जिसके लिए वो काम करने गया था चंद्रयान चांद के अंदर, जो सरफेस है चांद के सरफेस के अंदर, उसने टेम्परेचर बता दिया कि कौन सा टेम्परेचर मुतदिल होता रहता है, तब्दील होता रहता है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान है कि डे बाय डे वो रिसर्च पे करते जा रहे हैं, डे बाय डे दुनिया को बता रहे हैं कि चांद के अंदर क्या है। यहाँ पर हम ये जंग लड़ रहे हैं कि चांद पर तो जाना है फजूल है, चांद पर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो यही है ना कि हाथ में अपने थूक कोड़ी, या एक बात या दूसरी बात है कि हम चांद पर थूक रहे हैं। चांद की मिसाल है तो हम चांद पर थूक रहे हैं, वो थूका हमारे मुंह पर ही आएगा। अगर हम जा नहीं सकते हैं तो कम से कम तनकीद से बाज रहे हैं। वो जो हमसे 30-40 साल 50 साल आगे हैं, हमें वो 50 साल खामोशी से मेहनत करनी चाहिए। हमें अंदाज़ा हो गया कि हम कहाँ पर रहते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, 50 साल आपने कहा वो आगे हैं, 50 साल तक जब उनके पास हम पहुँचेंगे 50 साल तक, वो तब कहाँ चले गए होंगे? नहीं, अगर इस बात को लें तो फिर हम अमेरिका से 200 साल पीछे हैं, तो हम 200 साल का अंदाज़ा लगाएं, 200 साल में पता नहीं दुनिया तब तक कायम रहेगी या नहीं रहेगी। क्लाइमेट चेंज तो ये कहता है कि 200 साल बड़े मुश्किल हैं। सो हमें किसी के 10 साल का भी अंदाज़ा लगाने के बजाय हमें तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल का अंदाज़ा करना चाहिए कि हमारा 1 साल में क्या होगा। सो इस वजह से किसी के साथ फिल वक्त मेरे ख्याल में कंपेरिज, अब तो हम अफ्रीकी मुल्कों से बहुत पीछे हैं, ये अल्जीरिया, ये जिम्बाब्वे, ये साउथ अफ्रीका, ये हमसे बहुत आगे हैं। सो किसी के साथ अपना कंपैरिजन हमें खामखा में करने के बजाय मुझे लगता है कि हमें खुद पर तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। आपने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए? नहीं, मैं अगर अपनी जाती बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है वो नौजवानों के हाथ में, इनको गाइडलाइन की ज़रूरत है। मुल्क को छोड़ जाना ये कोई बहादुरी नहीं है। ब्रेन ड्रेन जो है ये कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं कि हम वहाँ से हमारी जो रेमिटेंसीज आ रही हैं तो हम कहेंगे ब्रेन ड्रेन अच्छा है, ऐसा कतई नहीं होता है। बल्कि हमारी स्किलफुल लेबर जब वो छोड़ के चली जाती है, तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे इम्कानात की दुनिया जो है वो हमारे हाथ में, हम उसको अपनी दुनिया खुद तामीर करनी चाहिए, बजाय कि वो दुनिया छोड़ के बुजलों की तरह हम किसी और के जो भी काम करें बाहर जाके। सर, कहीं ना कहीं आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन जिनका घर नहीं चल रहा, चूल्हा नहीं चल रहा पाकिस्तानी इनकम से, एक जिसने पीएचडी की हो यहाँ पर वो 25,000 रुपए ले और उसी तरफ दूसरी तरफ देखेंगे बाहर की कंट्री में उसकी ज़्यादा वैल्यू, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए वो सैलरी लेता है, और क्या लगता है कि आपको 25,000 रुपए से उस बंदे का गुजारा चल सकता है? नहीं, इस बारे में मैं पहली बात यही कहूँ कि मैं अलग राय रखता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी राय से इत्तेफाक करूँ। असल में हमारे यहाँ जो मसला ये है कि हम एमफिल करने को या ग्रेजुएशन करने को ये समझते हैं कि हमारी डिग्री के ऊपर ठप्पा लग गया नौकरी का, ऐसा नहीं होता। आप अगर चाइना का अंदाज़ा करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा लेबर जो है अपना पर्सनल बिजनेस करती है, इंडिविजुअल बिजनेस करती है। जबकि हमारे यहाँ तो मुझे ये बताते हुए भी आपको खबर है इन सब चीज़ों की कि MBA जिसने किया हुआ है, मास्टर इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग, वो भी आगे MBA पढ़ा रहा होता है, वो बिजनेस खुद नहीं कर रहा होता। सो हमारे यहाँ भी देखेंगे निशान तो फिर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उठता है। एग्जैक्टली मेरा ये ख्याल है, आपके ये जो भी चैनल है उसके तवज्जो से मैं ये बताना चाहता हूँ, हर एक को, इस 24 करोड़ आबादी के हर एक बंदे को बताना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क को ठीक करना है, हुक्मरान, इशराफिया, अमीर, गरीब, मार्जिनलाइज, प्रोविंसेस, कुछ भी मसले सारे हैं, सबसे पहला मसला तालीम है, पहला। दूसरा मसला ज़ुबान है, तालीम मिले और अपनी ज़ुबान में मिले, मेरे ख्याल में तमाम मसले यहाँ से हल होने शुरू होंगे। कि तालीम सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तालीम मिले, मेरे ख्याल में तो यही मसला सबसे अहम है। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी की, बात कर लेते हैं, तो वो उनकी तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका तालीमी निज़ाम हमसे बेटर है? जी बिल्कुल बेहतर है। किस तरह से? मेरे ख्याल में उनका तालीमी निज़ाम इस वजह से बेहतर है, हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि अभी 75 साल गुजरने के बावजूद हमारा तालीमी ज़ुबान का मसला नहीं हल हो सका। हमारे यहाँ एक एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। एलीट क्लास जो सिर्फ इंग्लिश को तरजीह देती है, वो इंग्लिश पढ़ती भी है, उनकी अप्रोच ऐवानों तक भी है, वो इंग्लिश को ही फॉर्मल लैंग्वेज कहलाते हैं। दूसरा जो है वो मिडिल क्लास की है, वो कौमियत के नारे लगाते हैं कि जी कौमी ज़बान जो है उर्दू होनी चाहिए, क्योंकि उनको उर्दू आती है, इंग्लिश आती नहीं है उनको। तीसरा दर्जा जो नेशनलिस्ट का या लेफ्ट के जो लोग हैं, वो जो कहते हैं कि जी ज़ुबान सबसे, मादरी ज़ुबान सबसे अहम है, वो पंजाबी, बलूची, सिंधी, पश्तो के नारे लगाते हैं। तो तालीमी ज़ुबान में, तालीम में ज़ुबान सबसे ज़्यादा अहम है। उन्होंने अपनी ज़ुबानों का मसला हल कर लिया। अच्छा, उन्होंने सब कैसे हल किया? उन्होंने, मैं बताता हूँ, उन्होंने ये मसला हल किया कि उनको सबसे पहले उन्होंने ज़ुबानों के खतने नहीं किए हैं। हम ज़ुबान के खतने करते हैं, कोई एक ज़ुबान को कौमी करार दे दिया, एक ज़ुबान को मजहबी करार दे दिया। उन्होंने 4-5-6 ज़ुबानें जितनी बड़ी थी, देखें हमने ज़ुबान की वजह से पहले आधा मुल्क गवाया।
अगर दो जुबानें मुल्क की होती तो कौन सा तूफान आ जाना था, कोई दो कौमी जुबानें होती, उन्होंने मसला हल कर लिया। पाँच छः जुबानें हैं उनकी कौमी, उनका तो कभी ये नारा ही नहीं आया कि जी हमारी ज़ुबान कौमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उर्दू किस तबके की ज़ुबान है मादरी, किसी तबके की ज़ुबान नहीं है। चलो उर्दू रखनी भी है तो अगर हम इसको फेडरेशन कहते हैं तो फेडरेशन तो चार फेडरल की बुनियाद पर चलती है, तो पाँच छः कौमी ज़ुबानें बना दें, ज़ुबान का तो मसला कम अज कम हल हो। यहाँ पर हम मानते नहीं कि हम थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्या लगता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो हमें बताया गया हम अपने कानून के मुताबिक, हम अपने रिलीजन के मुताबिक वही एक्ट कर रहे हैं जो कि हमें बताया गया, या हम एक्सट्रीमिस्ट हैं? वो यार प्रो एक्सट्रीमिस्ट ब्रो, प्रो एक्सट्रीमिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बहुत इस तरह से हम तो कहते ही नहीं, नहीं नहीं हम ना कहें, मैं ना मानूँ क्या बात, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। उसकी मिसालें हमारे पास मौजूद, मतलब सियालकोट में मिसाल एक पड़ी है, वो सड़क के ऊपर एक प्लस्टर बना हुआ है, बंदा पोस्टर है, वो आप जाके उखाड़ के देखें, वो कहेगा, उसकी लाज कहेगी कि मैं इस तशद्दुद ज़्यादा और एक इंतहा पसंद माशरे की में चिचावतनी में एक खपती बंदे को मार दिया गया। आप जड़ावाला की मिसाल ले लें, आप कराची की, लाहौर की, योहानाबाद की मिसालें ले लें, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम ठेकेदार हैं मज़हब के। जबकि मिडिल ईस्ट जहाँ से मज़हब पैदा हुआ है, देखें आप यूएई में देखें, सऊदी अरब में देखें, वहाँ बंगाली, हिंदू, पूरी दुनिया से लोग आके काम कर रहे हैं, मज़हब वहाँ पैदा हुआ है। हमें ना तीनों में ना तेरों में ना हमें मज़हब का मुकम्मल इलम है, ना हम पूरे माशरे को जानते हैं, ना हमारे पास कुछ है, उसके बावजूद हम मज़हब के ठेकेदार भी हैं, मज़हब पूरा है भी नहीं हमारे पास। तो वी आर प्रो एक्सट्रीमिस्ट भाई। हम बात करते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की, और हम अपने बारे में बात क्यों नहीं कर लेते? यही तो मसला है हमारा, अगर अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो शर्म आएगी ना, तो दूसरों पर तो इल्ज़ाम जनी जो है वो अब देखें रवायत बन गई है। हम अपनी इंतहा पसंदी को नहीं देख रहे हैं, हम जड़ावाला वाक्य नहीं हमें पता, लेकिन हमें मणिपुर का पता है कि वहाँ पे दो ईसाई औरतों के साथ जो रेप हुआ, जबकि हमारे यहाँ हमें वो जो शाह साहब हैं, असर शाह साहब क्या नाम है उनका, जिन्होंने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मार दिया, हमें उसका नहीं पता। हमें यहाँ गद्दी नशीनों की करतूत नहीं पता, लेकिन हमें उन कराची के अंदर दो मंदिर भी डिमोलिश कर दिए गए इसी महीने के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल वो भी नहीं पता हमें। नहीं हमें नहीं पता, हमें किसी का अपना नहीं पता, हमने अपने गिरेबान में कभी झांका ही नहीं है, पूरी दुनिया का हमें पता होता है। हमें यह पता है कि जी वो चाइना में कोई वो एक स्टेट है मुसलमानों की, वहाँ पे उनके साथ जो यगूर मुसलमान है वहाँ पे उनके साथ जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। जो चर्च तोड़ा गया इसके अंदर अमेरिका ने, इसके अंदर यूरोपियन यूनियन ने बहुत सख्त एक्शन लिया पाकिस्तान के ऊपर। यूरोपियन यूनियन जो पाकिस्तान के जो गरीब मुल्क होते हैं उनकी प्रोडक्ट को खरीदता है इसलिए कि वो भूखे ना मरे। अभी वो कह रहे थे कि अगर आपने इसके खिलाफ सख्त इकदाम लिए तो लिए, नहीं लिए तो हम आपकी प्रोडक्ट भी लेना बंद कर देंगे और जितनी गुर्बत में है आप उससे मजीद चले जाएंगे। सो ऐसा ही है मेरे ख्याल में, अगर हमने मजहबी तौर पर खुद को खुद कफील करना है ना, या माशर्ती तौर पर किसी तौर पर भी, सो दुनिया का हमें ये निज़ाम देखना हो कि दुनिया जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ चली गई है। अब दुनिया सियासत नहीं करते हैं, अब वो मुल्क सबसे मजबूत है जिसकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है। सो हमें ये भूल भलिए से निकलना है, अगर हमें मजबूत बनना है वो जो हम कहते हैं वो अयूबी, गौरी, गजनवी वाले जो हमारे नज़रियात हैं, अगर हमें वो नज़रियात लागू करने हैं तो उससे पहले हमें फिर खुद माशी तौर पर खुद कफील होना होगा। ना हमें किसी से उधार तेल मांगना पड़ेगा, ना हमें GSP प्लस यूरोप से मांगनी होगी, ना हमें फ्रांस से, ना हमें अमेरिका को सबसे बड़ा हमारा जो है वो इत्तेहादी बनाना होगा। अगर हमें खुद कफील होना है तो मईशत सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़बरदस्त। आई अप्रिशिएट यू यार, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कन्वर्सेशन मेरे लाइफ के तकरीबन, ये कोई आप कोई दूसरे तीसरे बंदे होंगे जिन्होंने फैक्ट्स पे बात की है, वरना यहाँ पर मुझे हर दूसरा बंदा मिलता कि हम सबसे अफजल, हम सबसे अच्छे, मुझे समझ नहीं आती हम सबसे अफजल, सबसे अच्छे, सबसे वादा पाबंद, हर चीज़ पूरी करते हैं लेकिन हम तरक्की नहीं कर रहे। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर इस्लामाबाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, हमने मंदिर बनने नहीं दिया, और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर की कंट्री हमें फिर एक्सट्रीमिस्ट कहती है, हमारी फिर मस्जिद बनने नहीं देती, उस पर हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है, ये बात भी नहीं समझ में आती। असल में मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त में मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा वफादार वो है जो इस मुल्क की बुराइयों को निकाले, उसके अंधुले चेहरे को धोए, धो के उसमें से चेहरा निकाले, वो नहीं है वफादार जो अब भी नारा लगाए कि हम सबसे, नहीं वो तो गलत कर रहा है, वो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है। अगर अब भी कोई ये कह रहा है कि हम सबसे अजीम कौम है, हम रही नहीं है, हमने 70 साल तजर्बात में से देख लिया, हमने किसी भी तबके को नहीं छोड़ा, किसी कौम को नहीं छोड़ा, हम नहीं अजीम, मुझे नहीं लगता कि हमें अजीम कहना चाहिए, हमें तवज्जो देनी चाहिए खुद पे। बिल्कुल सही गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के नौजवान भी हैं जो फैक्ट्स पे बात करते हैं, जो हकीकत बताते हैं कि ये हो रहा है माशरे में, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक हम आंखें बंद कर लेंगे शेर आके हमें खा जाएगा, और हम आंखें बंद करके ये सोचें कि शेर तो आया नहीं, शेर तो चला जाएगा, वो हमें खा भी जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें सच्चाई तस्लीम करने की ज़रूरत है, हमें इस तरह के स्टूडेंट की ज़रूरत है जो कि हमें हमारे हकायक बताए। बहुत शुक्रिया यार, आई अप्रिशिएट यू, आई वेरी अप्रिशिएट यू मैन, कि आपने बहुत अच्छी तरह से बात की, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर नाम आपका? खालिद खान। सर क्या करते हैं? मजदूरी यार। मजदूरी करते? प्राइवेट मजदूरी। समझ क्या हालात है, गुजारा कैसा चल रहा है? गुजारा जे जो आ गए है ना, जो पहले आया था उसने कुछ मार दिया, इन्होंने तो रहते खुंडा मार दिया ना, कैसे गुजारा करेंगे? 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाला गुजारा करके दिखाए मुझे। अब ये बोले घर का बिल, बच्चों की फीस, सुई गैस का बिल, ये मुझे दे के दिखा दें तो मैं जो इन जो हुक्मरान है ना, इनको तो चौक में ला के ना सिर्फ इनकी लेडीज़ को दूर में खड़ा कर देनी चाहिए कि यार मुझे ये 30 हज़ार रुपया पकड़ो, अपने घर का गुजारा करके दिखाओ, क्या करोगे? सर यहाँ पर हम एनर्जी क्राइसिस, अच्छा फूड क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस का शिकार हैं। दूसरी तरफ इंडिया चांद पर चला गया और वो अपने चांद मिशन को कामयाब करने पे आया, उसके बाद सर समंद्रयान मिशन, उसके बाद और तकरीबन 100 किस्म के मिशन मुतारफ करवा रहा, वो क्या वजूहत है? वो तरक्की पे तरक्की कर रहा क्यों भाई? मेरे पता क्या, वो हिंदू है, वो राम राम करने वाले हैं। हम जब मुसलमान होके ना, जब अंग्रेज के गुलाम थे ना उस वक्त बेहतर थे, जब मुसलमान मुसलमान का गुलाम हो गया ना उस वक्त सारा कुछ ही लेके दे के बह गया। वो जो पहले खान आया था वो अपना घर तो चला नहीं सका, समझ लो उसके 3 बीए थे, एंड पाक पतन से तम अपन माने की जूठी लेके आ गया घर पीड़नी, ऐसे ही है ना कि वो तो मतलब अपना घर ही चला, आपको आपने पूरा मुल्क उसे पकड़ा दिया, पूरा मुल्क दे दिया। ये जो सारे कहा कि वो राम राम करने वाले हैं, सर क्या वजूहत है कि वो राम राम करके भी आज दुनिया में तरक्की कर गए? हम यहाँ पर रोटी के जंगे लड़ रहे हैं, हमारा कोई अता पता नहीं है ना, कोई हमारा वली वारिस है, वो तरक्की कर गए। आप एक कोई भी आदमी है ना, एक चीज पे रह जाए ना, वो उसे कुत्ता बिल्ला बोली जा रहा है मीडिया पे बैठ के, जो पूरी दुनिया में जा रही है, ठीक है ना, वो उसे बोली जा रहा है, वो उसे बोली जा रहा है, काम तो कोई भी करके नहीं दिखाता। एक चीज़ है, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं रच के बुरा हूँ, मैं आपको बुरा कहता हूँ, मैं खुद ही आपको बुरा कहने से पहले मैं खुद अच्छा बन के दिखाऊँ कि लोग ऑटोमेटिक मुझे अच्छा बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि जब ईमानदारी खत्म हो जाए ना उस वक्त हर चीज़ खत्म हो जाती है। इंडिया में ईमानदारी है? वो मेरा कह किस कोई तो वजूहत है ना, वो तरक्की कर रहे हैं। सर मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि वो राम राम करने वाले, हम मुसलमान हैं तो सर उनमें कोई ना कोई अच्छी बात तो होगी ना, हमसे ज्यादा अच्छी बात होगी उनमें। देखो मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि वो राम राम करने वाले, एक क्रिश्चियन था जी, वो मुझसे पैसे ले गया फ्रॉड करके, समझ लो ऐसे ही समझ लो, ठीक है। मैंने उसे एक दफा बोला, दो दफा बोला, तीन दफा बोला, नहीं आप जैसा भाई पड़ा बीच में जी। उन्हें बोला यार खान साहब के पैसे देने हैं, वो चुप। उन्होंने कहा कि आप अपने किताब की कसम खा रहे जे खान साहब आपसे मुड़के पूछेंगे नहीं, ठीक अच्छा। है उसने बोला कि मैंने इनके देनी है, मैं 15 दिन के बाद मैं कसम नहीं खानी, समझ गए। हमारे मुसलमान बात बात में होती है, कसम पहले खाते हैं, जैसे बेईमानी है ना, यही तो चीज़ है, बेईमानी की वजह से तो चल नहीं रहा मुल्क, क्या के चलेगा, समझ। मैं उससे बुरा भला कही जा रहा हूँ, वो मुझे कही जा सागड़ा आ रहे, जब वो थे क्या कह रहा था, अब करके वो किधर चला गया? बिल्कुल सही बात है। देखो जब कर्जा लिया किन से लिया, गैर मुस्लिम से लिया ना जी। कर्जा लेके वो आपस में बांट लिया, ठीक है, जो सूद है वो हमारे सिर पे डाल दिया, अलग नहीं। अभी तो पूरा कर्जा भी है, सूद भी है, सब कुछ है सर, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखना होता क्या। मानोगे इस बात को कि लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए हैं, 200 रुपए किलो दूध है, क्या करेगा बच्चा, 1 किलो दूध तो पिलाएगा ना, पैसे होंगे तो पिलाएगा। बस सिर्फ हुक्मरानों को ये होना चाहिए कि ये इनको ला के ना धूप में खड़ा कर, कुछ कहो ना, बुरा भला ना कहो इसे, ला के तो इनके हाथ ना 30-30 हज़ार रुपया पकड़ा दो सारी इनकी औरतों को भी, कि यार ये मुझे ना खर्चा करके दिखाओ 10 दिन का, हम होता। एक महीना चलाते हैं ना, जिसका घर किराए का उसने कम से कम एक कमरा भी लिया तो 10 हज़ार 15 हज़ार से कम नहीं है, वो बेचारा अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, बहन भाइयों को क्या मिलेगा, फौजगी पे क्या जाएगा, क्या करेगा, कुछ कर सकता है तो मुझे बता दे। सर क्या फ्यूचर है, मुस्तकबिल क्या हमारा,
आज तो हमारे साथ जो आजाद हुए थे सर, जो हमसे अलग हो गए, आप देखिए हमने आजाद करा के हमने अपने जान पे मुसीबत डाल ली है, पाकिस्तान आजाद करा के। यही है ना कि ये एक तो हमारे बच्चों पे राज करते, हमारे बच्चों का खून पीते हैं, हमारा पीते हैं रात दिन, हमारे बच्चों का ऊपर से बैठ के पेंट को डाल के जो मजाक उड़ाते हैं, हमारा गरीबों का मजाक उड़ाते, क्या करेगा गरीब आदमी जी। बेगर कांड पे चूजेस कहते हैं कि फकीर लोग मांग, कोई चॉइस नहीं उनके पास, जो फकीर है ना उसने मांग के खा लेना जी। जो लैंड लॉर्ड है वो तो अमीर तरीन हो जा रहा है ना, जो सफेद पोश है ना किसी को बोल भी नहीं सकता, वो तो जिंदा दफन कर दिया ना उन्होंने, क्या करोगे सर। आज हमारे साथ जो अफगानिस्तान है सर, उसकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया। आज इंडिया में आटा सर 25 रुपए केजी है, यहाँ पर 180 रुपए केजी है, वहाँ पर कुकिंग ऑयल 60 रुपए केजी है, यहाँ पर 550 रुपए केजी है। ये इनको अल्लाह ही पूछेगा क्या करें, बस समझ तो पा रहे ये बोल रहे ना कि मुल्क ये चला रहे हैं, ये नहीं चला रहे, अल्लाह चला रहा है। यकीन करो कि जो सफेद पोश है डेली मरता है, डेली जीता है, एक दिन का मरना है ना वो मर जाए तो वो बेहतर है, डेली मरता है डेली जीता है, क्या करेंगे। ये मजदूर है ना पता नहीं बेचारा कहाँ से आया, ठीक है, इसने हिजरत करके आया, इसने वो करा वो खलोता है, आपको आवाज़ देगा उसे देगा, इसका गुजारा पता कैसे होता, तनख्वाह से नहीं होता, जो आप लोग टिप देते हैं ना उसकी वजह से हो रहा है, हम लोग तो टिप भी नहीं ले सकते किसी से, क्या करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है? मैट्रिक। तो अभी सही नहीं चल रहा निज़ाम? निज़ाम चलता हो तो भाई यार मेरी बात सुने, मुझे फालज हुआ था, ठीक है, मैं मेडिसिन नहीं खा सकता, जे रात मैंने अपने सुना था कि 15 रुपए का पेनाडोल का पत्ता था वो 152 का हो गया, वो कहते हैं हुक्मरान कहते हैं हम टेंशन देते हैं आपको, आप बाहर निकलते 25 रुपए की गोली ब्लड प्रेशर की लेके खा लेते हो फिर लेवल पे आ जाते, हम मेडिसिन इतनी महंगी करते कि वो भी ना लेके खाओ, इनके बच्चों को कोई मसला हो जाए अमेरिका से नेड़े, अमेरिका पानी पीना फ्रांस का, हमारे लिए क्या नालियों का पानी है, जे इन्होंने कुछ चार ट्यूबल लगा दिए वो टूटिया उतार के ले जाते खुद ही, मुड़ के कहते कि दे दो मतलब के चंदा दे दो, इससे बेहतर है कि जे लोग चंदा रख के ना गले रख के बह जाए कि सुबह उठ के ना हमारे लिए 10-10 रुपये डाल दो, समझ रहे, ये हमारा खून पीना छोड़ दे, हमारे बच्चों का पीना छोड़ दे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क का सोच कश्मीर है, वो अपनी बच्चियों की तोबा नौजबिल्ला, बच्चियों भाइयों बेटियों बच्चे वो शहीद, बुरा हाल उनका हो गया, परचम पाकिस्तान का लहरा के बैठे, फिर भी हम कहते हैं वो वाला जो इंडिया के पास कश्मीर है वो भी खुद अपने पास लेके आएंगे कह रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो ऊपर झंडा उन्होंने पाकिस्तान का रखा, पाकिस्तान में पड़ा गया यार, पाकिस्तान को जान छोड़ो वगैरह, इन्होंने ठेके पे दे दो, ये सब बेहतर है, एक आदमी 25,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। एक सवाल कश्मीर की बात की आपने, क्या उनको हम बुलाएंगे अपने पास तो इन सब सिचुएशन में वो छोड़कर सब कुछ छोड़कर हमारे पास आएंगे? जैसे मेरी बात सुने, जैसे हमने गलती की है, हमारे दादे परदादे सारे शहीद हो गए हैं, हमने पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, वो बेचारे जब आएंगे पाकिस्तान के हिस्से में उस वक्त देखेंगे कि ये हमने क्या कर लिया। वो आएंगे? नहीं आएंगे, वो अपना मुल्क बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई साहब ने देखा क्या हालात चल रहे हैं हमारे, मैं तो यहाँ पर टॉपिक मेरा कोई और था लेकिन मजबूरन मुझे ये बात करनी पड़ी, मैं क्या बताऊँ यहाँ के आवाम को, क्या मैं चंद्रयान के बारे में बताऊँ, क्या मैं स्पेस के बारे में बताऊँ, क्या मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँ, यहाँ पर हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पर रोटी नहीं पूरी हो रही, तो मैं स्पेस एजेंसी के बारे में क्या बताऊँ सर। सर बहुत शुक्रिया, गाइस चलते हैं अगले बंदे की तरफ, उनसे बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो ब्रो? अल्लाह का शुक्र दुआएं। नाम आपका? नासिर। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस और हर किस्म के आप देख रहे हैं मसले मसाइल में जूझ रहे हैं, अभी हम स्ट्रगल आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल मामला हुआ पड़ा मुल्क के चलाने के लिए, जो स्टूडेंट नौजवान मुल्क बाहर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन सेकेंड हैंड दूसरी तरफ हम देखें अदर हैंड वहाँ पर इंडिया चांद पर जा रहा है और चांद पर जाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज उनको मुबारकबाद दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं हम? हमने तो यही सुना था कि सबसे पहले रूस गया था और इंडिया को तो हम कुछ समझते नहीं थे, हम यही समझते कि जब पाकिस्तानी
जो है वो सबसे आगे है। हाँ, और यहाँ दूसरे ममालिक जो हैं वो सबसे आगे हैं। लेकिन जब हमने इंडिया को जाते देखा तो हमें शर्मिंदगी का बाइस तो हुआ कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इंडिया जो है हमारे साथ एक दिन का फ़र्क है, बल्कि कुछ घंटों का ही लगा लें आप तो फ़र्क है, वो हमारे से आगे इतना चला गया। तो ये तो हमारी इसमें हुक्मरान और कुछ अवाम का भी लगा लें, कुछ हुक्मरान पूरी इंसानियत के लिए गए हैं। अभी रिसर्च करके हमें भी बताएंगे कि भाई चांद में ये है। हाँ जी, हमें तो चाहिए कि ये इसके ऊपर हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और इसके अलावा आपके मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो आप चांद पे जाने के काबिल होंगे ना। अगर आपके मुल्क के हालात नहीं बेहतर, इधर ही चांद बना देंगे तो फिर मसला तो बनेगा। इधर ही चांद बनाने का क्या मतलब है? इधर चांद बनाने से मराद जैसे बिजली, पानी, गैस, इनकी सहूलियात हमसे छीनती जाएंगी। जहाँ पे पहले शाम को जाती थी और सुबह आती थी, अब दिन में भी जाने लग गई है। और लाइट की लोड शेडिंग जो है वो पूरी होने के बावजूद जाने लगी, और बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है। बिल, हाँ, बिजली के बिल महंगे होते जा रहे हैं। जिसकी सैलरी को 50,000 है वो 30,000 बिल पे कर रहा है या 20,000 बिल पे कर रहा है। और अगर वो एक पंखा चलाता है और एक लाइट चलाता है तो तब भी उसको बिल 7,000 बिल आ रहा है। तो ये मसाइल जो जब तक ये ठीक नहीं होंगे तो चांद के जाने पे काबिल तो हम उससे पहले नहीं हो सकते। पहले हमारे मुल्क के मसाइल बेहतर होंगे, वो ठीक होंगे तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। हिंदुस्तान तो मैं तो समझ रहा हूँ कि उसको पाकिस्तान आना चाहिए था, उसको चांद तो पाकिस्तान तो चांद बना हुआ। ये तो बाकी सही बात है कि जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वो इसी वजह से जा रहे हैं कि ये चांद बनता जा रहा है। अब वो किसी ने सवाल किया ना कि भाई आप इंडिया चांद पे चला गए, उन्होंने कहा हम तो इससे पहले के चले गए। मैं ये तो बाद में कैसे, जैसे कि लाइट, बिजली, गैस, लाइट और इसके मसाइल, खाने पीने की अशिया की कमी, हमारी अपनी गंदम होने के बाद हमें गंदम जो है वो इतनी एक्सपेंसिव मिल रही है, अपनी मिर्ची होने के बाद जो मिर्चियाँ इतनी महंगी मिल रही हैं, जो रेड पेपर है, और बाकी दीगर जो चावल हैं वो देखें वो कहाँ पर 370 रुपये पे चले गए। 170 रुपये आम थे, 150 रुपये बेहतरीन चावल जो था 170। अब अपने मुल्क में पैदावार उगाने के बावजूद तो वो हालात देख लेंगे, 370 रुपये के जो अच्छा चावल है इस टाइम। नौजवान, एक यंग जनरेशन के ताल्लुक रखने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान के अंदर अपना फ्यूचर क्या देखता है? वो तो जाहिरी बात है फ्यूचर तो उसको अभी फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। जो भी पढ़ता है जॉब नहीं मिलती उसको, उसको मसाइल पैदा होते हैं, उसके बाद वो अपना बाहर जाने की कोशिश करता है, यही वजह है। क्या बाहर जा